हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मठरी की रेसिपी। मठरी बनाने के लिए हमने लिया है ये मैदा, और इसमें हमने लिया है जीरा और अजवाइन, दोनों फ्लेवर डालेंगे। और ये लिया हमने नमक, ये लिया है रिफाइंड ऑयल, और ये हमने ले लिया कस्तूरी मेथी। तो आइए पहले डो तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम सबसे पहले डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी। फिर इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, और ये हमने लिया है जीरा और अजवाइन। तो हमने इसको हम इसको प्रेस करके डालेंगे कुछ इस तरह से। ये हमने ले लिया है नमक। अभी तो फ्रेंड्स अभी हम इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। रिफाइंड ऑयल हमको थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, तभी तो जो मठरी है वो खस्ता बनेंगी एकदम क्रिस्पी। और हम इसको कुछ इस तरह हथेली की मदद से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसको अच्छे से मसल लिया है, और आप लोग इस तरह दबा के देखिए जैसे लड्डू बनने लगे। फिर हम आटे में पानी डाल के इसका डो बनाते हैं। फ्रेंड्स डो हमको थोड़ा सख्त ही रखना है, ज़्यादा मुलायम नहीं रखना है, क्योंकि तो फ्रेंड्स अभी हम डो तैयार कर रहे हैं, और इसमें पानी हम थोड़ा ही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के गूंथेंगे ताकि जो है अच्छे से गूंथ जाए, और आटा थोड़ा सख्त ही लगाना है। तो फ्रेंड्स हमारा डो तैयार हो गया है, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से। हमने इसको ना बहुत टाइट रखा है ना बहुत सॉफ्ट रखा है, ये देख लीजिए। अभी इसको हम 5 मिनट रखते हैं सेट होने के लिए। फिर फ्रेंड्स तो मठरी की सेप हम दे रहे हैं, इसको ले लिया है जरा से आटा, और अभी हम इसको बेलन की मदद से बेलते हैं कुछ इस तरह से। फिर हम इसको नाइफ से ऐसे कट कर देंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे समेट लेंगे और इसको ऐसे गोल शेप दे देंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना फ्रेंड्स। ये देखिए हमने इसको बेल दिया है, और हमने लिया है एक कांटे वाला स्पून, और इसमें हम ऐसे ऐसे होल कर देंगे ताकि हमारी मठरी फूले नहीं, तभी ये जो है क्रिस्पी बनेंगे, नहीं तो पूड़ी की तरह फूल जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम सारी मठरियों को बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरफ हमने चढ़ा दी कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है तेल, तेल हमारा गर्म हो जाए फिर हम मठरियों को करते हैं फ्राई। तो फ्रेंड्स हमने दूसरी भी मठरी ले ली थी, ये देख लीजिए हमने इसको काट दिया है। इसलिए इसको काटते हैं क्योंकि ये तलने पे भी बढ़िया से लच्छेदार निकलेगी, अच्छी लगेगी देखने में, इसलिए हम जो है इसको काट के बना रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसको खाली बेल के स्पून से होल करके भी बना सकते हैं, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने इधर चढ़ाई थी कढ़ाई, तो हमारा तेल गरम हो गया है। अभी हम गैस को कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, तब मठरी को इसमें हम डालेंगे, नहीं तो मठरियाँ हमारी जल जाएंगी। तो अभी हम डाल देते हैं मठरियों को, ये देख लीजिए एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे हम इसको। फ्रेंड्स हमने मठरियों को डाल दिया है, अभी हम इसको उलट पलट के एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसको पकने में 4 से 5 मिनट लगता है, लेकिन एकदम बढ़िया से क्रिस्पी से पकनी चाहिए और ये फूले नहीं, इसलिए इसमें जो है होल दोनों तरफ बना देना है। तो फ्रेंड्स ये फ्राई हो रही है, ये देख लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स मठरियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, अभी हम इसको निकाल लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमने ये मठरियाँ बना ली, ये देख लीजिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है। आप लोग इसको चाय के साथ या फिर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप लोग बना के स्टोर कर सकते हैं, ये पूरे महीने महीने नहीं ख़राब होती। ये देख लीजिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।